मोबाइल वीडियो कॉल हमने मोबाइल आगे लाओ। ये और आ गया क्या ऐसा? चौकी पुराई के उसके बाद ही हल्दी छोड़ेंगे ना चावल। बेटा मेरे को चावल डब्बे में से बिस्कुट ऐसे निकाल देते हैं अमर उद्यम के जाने खाने में जवानी एकदम से गई है तो मां लेना नहीं पता इसमें मैं बीच में ले लो, बीच में ले लो। चलो आते जाओ, धीरे धीरे आओ, धीरे धीरे आओ। अस्सलामु अलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला का शुक्र है हम भी बहुत अच्छे हैं। तो जी अभी था रात का टाइम और यहाँ पर हो रहा है हल्दी का फंक्शन। तो चलिए मैं आपको बता भी देती हूँ कि ये अभी जिनके हाथ की हल्दी लग रही है ना, तो ये हस्बैंड वाइफ जो है मेरी ननन और नंदोई है। उनके पीछे जो एक छोटी बच्ची खड़ी है ये उनकी बेटी है, और ये जो प्लेट पकड़ कर खड़ी हुई है ये मेरी भतीजी है, मेरी जेठ की बेटी। और दुल्हन से तो आपने मिल ही लिया होगा, कल भी दुल्हन का आया था थोड़ा सा वीडियो में, सॉरी कल नहीं परसों। तो यहाँ पर लग रही है दुल्हन को हल्दी, और जो पहले हुई वो कुछ रस्में थी। उधर साइड से जो आप ये पीला दुपट्टा ओढ़ के जो एक लेडी खड़े है ना, तो ये मेरे जेठानी की बहन है। ये लोग वहीं पर रहते हैं, सूरत में ही रहते हैं, दो बहनें ये। तो यहाँ पर अभी एक ही है, एक जब दिखे तो मैं बताऊँगी आपको। बाकी सब जो है इधर के ही मेहमान हैं। और ये मेरे सासू माँ है, ये जो पीला दुपट्टा इधर से जो मिठाई बॉक्स लिया अभी, तो वो मेरे सासू माँ है। और यहाँ पर देखिए ये जो हल्दी की रस्में होती है वो चल रही है। और एक बात मैं बता दूँ आपको कि ये जो भी सब इधर हुआ है ना, तो मतलब ये इधर ही हुआ है, मम्मी के इधर, हमारे इधर ऐसा कुछ नहीं होता। ये नाड़े वगैरह, हाँ हल्दी लगाई जाती है, लेकिन ये जो रस्में हो रही है ये रस्में वगैरह नहीं होती है। और जो शुरुआत में आपने देखा था ना जिनके पास बाबू था, तो वो भी मेरे ननन है, और वो बड़े वाले ननन थे मेरे, और उनके बाद जो है तो ये है। तो ये चार बहन भाई है। वैसे तो मैंने बताया है इसके पहले भी, एक जो अपना इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बनाया था ना, तो उसमें मैंने बताया था, लेकिन फिर भी जो न्यू है उन लोगों को बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड और ये मेरी नंदे, मतलब ये चार बहन भाई है, दो बहन दो भाई। तो सबसे बड़े तो भाईजान हैं, उनके बाद जो है बाजी और ये वाले बाजी हैं, और सबसे लास्ट में जो है तो हस्बैंड है। तो यहाँ पर भी मैं छोटी हूँ, वहाँ पर भी छोटी हूँ, खैर कोई नहीं। तो वो मेरे बड़े वाले ननंद थे जिनके पास आपने शुरुआत में बाबू को देखा था। और हाँ जी, ये मिडिल क्लास घर है और मिडिल क्लास फैमिली है जो भी है। तो हम लोग मतलब जैसा है वैसा मैं बता रही हूँ, कोई भी जो है शो ऑफ वगैरह नहीं कर रही हूँ। और यहाँ पर भी मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, बाबू ने इस कदर परेशान किया था, क्योंकि ना मसला ये था कि बाजी का घर ना आपने देखा भी होगा वीडियो में बहुत ज़्यादा छोटा है, और सूरत जैसी सिटी में मतलब खुद का घर होना ही बड़ी बात होती है, ये तो आप लोग भी जानते होंगे। तो बाजी, ये ना बाजी की सहेली थी और ये बाजी की ननन है, तो ये लोग मुझे बोल रहे थे कि हमारा भी ले लो। तो ऐसा, तो हाँ मैं ये बोल रही थी कि सूरत जैसी सिटी में ना खुद का घर होना ही बड़ी बात होती है, और यहाँ पर ना बहुत मतलब
बाहर देखिए आप, गली भी एकदम छोटी है, बाहर भी जो है बच्चों के हिसाब से थोड़ा सा मसला हो रहा था खेलने वगैरह के लिए। तो बाबू इस कदर परेशान कर रहे थे, मतलब बिल्कुल बाबू अंदर आने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे और बाहर रह रहे थे। बाहर भी जो है बस रोड पे जाने बोल रहे थे, और बाजी की गली से बस थोड़ा सा आगे ना एकदम मेन रोड है जहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक चलता है, गाड़ियाँ वगैरह, तो बहुत मसला हो रहा था बाबू को संभालने का। और ये देखिए, ये मैं हूँ, ये है हमारा पीला ड्रेस जो मम्मी लाए थे, माशाल्लाह से एकदम परफेक्ट जो है ये आ गया था। और ये ना रात का खाना हो रहा था यहाँ पर, देखिए ये रोड पे एक साइड में मंडप डला हुआ है, तो यहाँ पर रात का जो है खाना चल रहा था हल्दी का। और रात के खाने में यहाँ पर ना कढ़ी और चावल थे। वैसे तो नॉर्मली हमारे इधर अगर शादियाँ होती है ना तो रात के खाने में दाल चावल या पुलाव वगैरह होता है, लेकिन बाजी बता रहे थे कि इनके इधर जो है कढ़ी चावल ही बनता है, वरना फिर लोग जो है नाम रखते हैं और कोई खाता नहीं है। तो बस इधर जो है कढ़ी चावल बना हुआ था, यहाँ पर देख के सब लोग खा रहे हैं। और ये छोटे वाले बाजी की जिठानी है, तो ये ना हमसे बोल रहे थे कि हम खाना खा रहे हैं तो क्या हमारी वीडियो बना रहे हो कि हम कितना खाना खा रहे हैं, तो ये मजाक कर रहे थे। तो खैर ये मैंने ले लिया है, और सॉरी मतलब दिन का खाना जो शुरू हुआ था ना तो उसकी क्लिप मुझसे मिस हो गई है, और दुल्हन की भी जो है क्लिप मुझसे मिस हो गई है। और ये देखिए, ये ना दुल्हन का सामान आया था तो वहीं पर दी हुई है, दुल्हन मतलब गांव के गांव में है ना, तो ये लोग रात में ही जो है दुल्हन का सामान लेके आ गए थे। तो ये जो भी दुल्हन के लिए मतलब सोने चांदी की जो चीज़ लेते हैं ना, तो ये देखिए ये पायल है, और ये है दुल्हन के लिए पोत मंगलसूत्र, और ये चांदी के जो है तो हाथ की अंगूठी है 3, और दुल्हन का लाछा था, तो ये लोग रात में ही दे दिए थे। और यहाँ पर देखिए ये ना निकहानी के दिन का है सुबह का, तो ये है गोश मांडा, सॉरी कलेजी की सालन है ये, और मांडा और दही चावल है, तो इस पे ना फातिया दे रहे थे। और एक बात मैं बताऊँ कि मतलब मम्मी के इधर नहीं देते, हम लोग नहीं करते हैं फातिया वगैरह, ये बाजी के यहाँ पर होता है और सासू माँ के घर पे होता है। तो ये देखिए बाजी का घर में बता रही थी आपको कि देखिए कितना ज़्यादा छोटा है ना, और मेहमानों की वजह से बहुत ज़्यादा मसला हो रहा था, और गर्दी गर्दी देख के बाबू बहुत ही परेशान कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए ये है बाजी का किचन, और यहाँ पर ना अभी फातिया वगैरह हो जाता है ना तो 5 सुहागने, और उनमें जो है एक विधवा होती है और एक छोटी बच्ची, तो इस तरह से मतलब ये सब लोग मिलके ना ये खाते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस ये जो फातिया दिए हुआ होता है ना खाना, तो बस वही खाते हैं। तो ये देखिए ये बाजी की बेटी बैठी हुई है, और ये दुल्हन है, और ये जो इधर गुलाबी वाला दुपट्टा है जिनका, तो वो मम्मी की देरानी है, भाई भैयात में मतलब। और ये बाजी की जिठानी है जो हल्दी के खाने में भी देखा होगा आपने, और इधर से मैं हूँ, और इधर से जो ये बैठे ना तो ये बेवा है, तो ये बड़े वाले बाजी की ननन है बड़े वाले, तो ऐसा। तो यहाँ पर बस हम लोग खा रहे थे, और अभी ना हंसी मजाक इसलिए हो रहा था कि नाजुरा ने ना ये सब पहली बार देखा था मतलब, तो बस नाजुरा बोल रहे थे कि सब लोग इतना मतलब जल्दी कर रहे हैं और आप लोग इतना फुर्सत से खाना खाने के लिए क्यों बैठ गए हो सुबह सुबह, तो बस हम बोल रहे थे कि ये रस्म है, तो ऐसा। तो जी देखिए यहाँ पर अभी हो रहा है, दुल्हन का मेकअप हो रहा था यहाँ पर, तो बस जो काजी आते हैं ना तो वो आ रहे थे, उन्होंने बोल के गए कि हम लोग आ रहे, और हमने ये देखे इधर ये जो साइड में खड़ी है दुल्हन का मेकअप करने के लिए आई थी पार्लर वाले, और यहाँ पर बाजी बैठे हुए हैं ताकि मतलब कोई बड़ा रहना चाहिए ना दुल्हन के पास अगर काजी लोग आए गए, तो ऐसा। तो बस बाजी यहाँ पर आके बैठ गए थे। नेहल शाह लुकमान शाह के साथ निकाह कबूल है, आपने सुना? नेहल शाह लुकमान मुस्कान बानो पीर शाह 5001 में आपको निकाह कबूल है, आपने सुना? हाँ। लुकमान शाह नेहल शाह लुकमान शाह मुस्कान बानो पीर शाह फकीर 5001 में आपको निकाह कबूल है, आपने सुना? यस, ये सही बेटा यहाँ कर दे।
घंटे के अंदर ले दिख रहा क्या देखो मेरा बेटा साइड पर लेट ओ चल वो आ जाएगा बेटा ये लड़का से हटाओ चाचा कपिल भाई लड़का बेटा जा रहा उधर अच्छा ये बच्चों का क्या काम है जिनके नीचे कपिल होगा वो क्यों खड़े हैं पप्पा का नाम चलता ना हो गया ना चलो तो ये देखिए ये है दहेज की क्लिप और ये ना मैंने नहीं ली थी बाहर बहुत ज़्यादा जो है आदमी लोग थे ना तो इस वजह से मैं बाहर नहीं जा सकती थी तो मैंने किसी से ये मंगवाया था तो देखिए उन्होंने ना आड़े में शूट कर लिया था तो इसलिए मैंने अभी बता दिया और पूरा भी नहीं लिया इन्होंने सही से तो खैर मैंने जो था आपको बताया और यहाँ पर देखिए एक बाजू में ना दुकान थी जो इन लोगों ने किराए पे ली हुई थी मेहमानों के लिए तो यहाँ पर मांडे वगैरह रखे हुए थे और ये देखिए मम्मी और भाभी खाला जान वगैरह आए हुए थे ना तो मैं भी इधर आई थी अभी तो बस ये जो सामने बैठे हुए हैं वो मेरे भाभी थे और उनके बाजू में जो है तो वो मेरे भाभी के भाभी हैं और ये तो चाची है इनको तो आप जानते ही होंगे और अभी खाना वगैरह ना हमारा हो गया था तो बस बाबू सोने के लिए रो रहे थे और कई जगह भी नहीं थी ना ही घर में बैठने को जगह थी ना ही बाहर बैठने जगह थी तो अभी हम लोग जा रहे थे यहाँ पर थोड़ा ही आगे ना ये जो हमारे सामने चाची रहते हैं ना तो उनकी भांजी का घर था तो बस वहाँ पर मैं चले गई थी और ये देखिए अभी ना एकदम ये आखिरी लास्ट की क्लिप है जब दुल्हन जा रही थी ना तो विदाई हो गई थी दुल्हन की हमारे लिए रुके थे बस मैं आई दुल्हन को मिली और बस जो है दुल्हन निकल रही है अभी तो ना वहाँ पर हम गए ना तो बाबू सो गए थे और बाबू सोए तो हम बाबू का उठने का बस इंतज़ार करते रह गए कि बाबू जल्दी से उठे और हम जाए लेकिन बाबू की नींद इतनी ज़्यादा पक्की थी दो दिन से नींद नहीं हो रही थी उनकी सही से दोपहर में और अभी ऐसा सोए कि बस उठने का नाम नहीं ले रहे थे तो एकदम लास्ट में जो है मैं आई थी तो खैर चलिए फिर व्लॉग भी करेंगे हम यहीं पर एंड अल्लाह हाफिज़।